आप सभी का स्वागत है दोस्तों सरजी क्लासेस में। तो जैसे कि हम लोग जनरल अवेयरनेस पार्ट डिस्कस कर रहे थे आपका कोरोना लिमिटेड एग्जाम के लिए, और उसमें से भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे थे। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का पार्ट देखा था, उसमें से हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा थी, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग यदि उतना कर लेते हैं, यदि आपने कुछ भी नहीं किया हुआ है तो एटलीस्ट उतना तो जरूर कर लेना। और उन सभी का देखिए प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं जाके, और इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। जितने भी चैनल पे वीडियोस आ रहे हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश का हो गया या फिर जो मैथ का है, प्रीवियस ईयर का है आपका या जीएस का है, तो सभी का हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग बहुत ही इजीली देख सकते हैं। और हमने देखिए करंट अफेयर का भी जो है वीडियो जो है, और उसके बाद जो पीडीएफ है वो भी हमने तैयार करके आपको दे प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी इसको जाके परचेज कर सकते हैं। और देखिए बाकी जो आने वाले दिनों में हम यहाँ पे और भी जो जीके का पोर्शन है, तो वो आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे आपका एग्जाम तक, तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ। तो देखिए आज जैसे कि ज्योग्राफी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसमें से हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होंगे जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो वही चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा जो थ्योरी है पूरा चैप्टर के साथ और पूरा हर एक जो टॉपिक है वो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो वर्ड ज्योग्राफी है, तो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव है, जिसका जैसे कि मतलब इसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड में जिग्रोफिया, तो वहीं से ये जो वर्ड डिराइव किया गया है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करना या उसके बारे में लिखना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो वर्ड जियोग्राफी है वो कौन सा वर्ड से लिया गया, तो ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करना या फिर उसके बारे में लिखना। तो देखिए ये जो जियोग्राफी वर्ड है, तो ये क्वाइन किया गया था इरेस्टोथेनेस के द्वारा, और ये भी ग्रीस से बिलोंग करते थे। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वर्ड जियोग्राफी है किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, तो ये आप लोग याद रखना इरेस्टोथेनेस ने किया था। अब देखिए जैसे आपका अर्थ है, तो ये क्या है, ये बेसिकली अर्थ एक जीवाइड है। जीवाइड का मतलब होता है कि ये ना तो सर्कल है, मतलब ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का स्फेयर है। आप लोग सोचते होंगे कि जैसे ये पूरी तरह से एक सर्कल है, तो ये बेसिकली सर्कल नहीं है। तो ये क्या है, एक तरीके का जीवाइड है, जिसका मतलब होता है कि ये एक स्पेशल टाइप का स्फेयर है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर कैसा है तो वो ऑब्लेट स्फेयर का है। तो देखिए इसका जो एज है, यानी कि यदि हम अर्थ की बात करते हैं, तो इसका एज जो है वो 4.5 बिलियन ईयर इसका बताया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, या फिर 4500 मिलियन ईयर्स इसका बताया जाता है। तो ये बस आंकड़े जो है आप लोग बस इसको याद रखना, मे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखिए यदि हम सोलर सिस्टम में यदि हम बात करते हैं, तो जो अर्थ है ये थर्ड प्लैनेट है सन से, यानी कि सन से अरेंजमेंट पे दी, जैसे जितने भी प्लैनेट होते हैं तो उनको अरेंजमेंट किया जाए, तो वहां से ये तीसरा प्लैनेट है, और एक ऐसा ही मात्र प्लैनेट है कि जहाँ पे जो लाइफ पॉसिबल है, यानी कि जहाँ पे लाइफ जो है वो हार्बर किया जा सकता है। तो देखिए यदि हम इसकी सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो जो टोटल अर्थ है तो उसका टोटल जो सरफेस एरिया है तो वो 510.1 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और जिसमें से कि जो ओशियन, जैसे कि आप जानते हैं कि 70% जो है वो ओशियन से कवर्ड है, और मात्र जो है 29.2% एरिया है कि जो कॉन्टिनेंट है, यानी कि जिस पर लैंड बसे हुए हैं, यानी कि जितने भी कंट्री हैं वो सारे बसे हुए हैं, या फिर जितने भी माउंटेन्स रिवर और भी जो भी चीज़ हैं। तो देखिए जो ओशियन है आपका 70% है, तो इस हिसाब से टोटल जो इसका यदि हम बात करते हैं तो वो है 362 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और बाकी जो कॉन्टिनेंट है तो इसका आपका इसमें से 510 में से आप इतना माइनस कर दीजिएगा, तो आपका लगभग 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आपका आ जाएगा कॉन्टिनेंटल एरिया। तो मतलब कि इतने एरिया में ही जो है कि सारा कॉन्टिनेंट बसा हुआ है और जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो देखिए जैसे कि ये आंकड़ा भी आप लोग याद रख लेना, इसका मास आपका यहाँ पे गिवेन है और रेडियस इसका कितना है, तो लगभग यहाँ पे 6400 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेते हैं इसका, और इसका एक ही नेचुरल सेटेलाइट है जो कि मून है। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना। अब भाई हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से है कि जैसे डे और नाइट और जो सीजनल में वेरिएशंस होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे समर में आपने देखा होगा कि जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और रात वो छोटे होते हैं, और विंटर में यही जस्ट उल्टा हो जाता है, तो ये आखिर किस कारण से होता है। तो देखिए जैसे कि अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पे जैसे रोटेट करती है, तो वो यहाँ पे जो अर्थ का जो एक्सिस है तो वो बेसिकली अपने प्लेन से वो टिल्टेड है, यानी कि वो इंक्लाइंड है एट ए एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में वो 23.5 डिग्री का है। तो
तो इस कारण से क्या होता है कि इसमें जो डे और नाइट में या फिर जो सीजनल में वेरिएशंस होते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे इक्वनॉक्स के बारे में या फिर समर सोल्स्टिस के बारे में और विंटर सोल्स्टिस के बारे में आपसे पूछा जाता है और डेट पूछा जाता है यहाँ पे। तो देखिए जो सन है वो वर्टिकली इक्वेटर के ऊपर में यानी कि डायरेक्टली ओवरहेड होता है 2 दिन, तो ये आप लोग डेट याद रखना, एक होता है 20 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। तो इन 2 दिनों को बोला जाता है इक्वनॉक्स, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सन है वो डायरेक्टली ओवरहेड होगा, तो इन दोनों को इक्वनॉक्स बोलते हैं। इक्वनॉक्स का यहाँ पे जैसे मतलब होगा कि जैसे डे और नाइट जो होगा वो इक्वल लेंथ का होगा, यानी कि यदि 12 घंटे का यदि दिन होगा तो 12 घंटे का ही रात होगा। तो ये 2 दिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इसको याद रखना। और उसके बाद देखिए जैसे यदि हम बात करते हैं कि जैसे यदि आपका देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का और एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो जैसे आपका अर्थ है तो अर्थ के जैसे कि उसमें जितने भी लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड्स होते हैं, तो लैटिट्यूड को उसमें जैसे कि 0 डिग्री जो आपका होता है लैटिट्यूड, उसको इक्वेटर बोलते हैं हम लोग। और इसमें आप लोग देखे होंगे कि जैसे जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका नीचे होता है बेसिकली, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका ऊपर होता है बेसिकली ये। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ आपका यहाँ पे जो कैंसर है जो कि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से ऊपर ये बेसिकली होता है, तो यहाँ पे देखिए जो 21 जून को यहाँ पे सन जो है वो वर्टिकली ओवरहेड होता है। तो ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका जैसे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये लोकेटेड है, तो वहाँ पे 21 जून को जो सन है वो वर्टिकली ओवरहेड होता है यानी कि डायरेक्टली ओवरहेड होता है, तो उस दिन इसको बोलते हैं हम लोग समर सोल्स्टिस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे यानी कि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, यानी कि जो डे होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट होगा और जो नाइट होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो इसीलिए देखिए जो 21 जून है तो इसी दिन हम लोग इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो दिन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि जो सन है वो लंबे समय के लिए अवेलेबल होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि सन जो है तो वो हमारे एनर्जी का सोर्स के रूप में माना जाता है, तो इसी दिन जो है योगा जो यानी कि योगा डे जो है मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग फैक्ट याद रखना। और देखिए यही हम बात करते हैं आपका जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, तो इस दिन सन देखिए डायरेक्टली ओवरहेड होता है, तो वो है 22 दिसंबर को। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका जैसे कि ये आपका साउथ पोल में आपको मिलेगा बेसिकली, ये 23.5 डिग्री जो साउथ आपका है वहाँ पे है, तो उस दिन कब वर्टिकली ओवरहेड होगा सन, तो वो 22 दिसंबर को। तो इस दिन हम लोग बोलते हैं इसको विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं, तो यानी कि इस दिन क्या होगा कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट होगा और शॉर्टेस्ट डे होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, हम लोग यहाँ पे टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत सारे जो भी इंजीनियरिंग के एग्जाम हुए होंगे या फिर एसएससी के, तो उनमें ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है कि वर्नल इक्विनॉक्सेस अकर ऑन, तो जो वर्नल इक्विनॉक्स कब होती है, तो जैसे कि मैंने आपको दो डेट आपको बताया था, एक 20 मार्च को और एक 23 सितंबर को, तो इसमें से आपका जो भी ऑप्शन रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपको ऑप्शन बी आपका दिया हुआ ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 20 मार्च को, और 23 सितंबर भी आपका दिया रहेगा तो वो भी आपका हो जाएगा। और इक्वनॉक्स का मतलब क्या होता है कि इस दिन इक्वेटर पे जो है सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है बेसिकली, तो इस दिन क्या होगा, इक्वल डे और नाइट होता है। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि एंड इक्वनॉक्स इज वेन, तो इक्वनॉक्स मतलब कि इसका क्या होता है कि जैसे डे और नाइट इक्वल दिन का होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए दिया हुआ है कि डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो यही आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन भी आप इलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि डे इज ऑफ शॉर्टेस्ट, डेट इज शॉर्टेस्ट होता नहीं है, डे इज ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ईयर, ये भी आपका नहीं होगा, कि डे इवन द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द ईयर, तो रेनफॉल से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से आप लोग जो जो भी टॉपिक जो भी चीज़ आपको हम बता रहे हैं तो वो बस आप लोग उतना करते चलिए, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बन जाएगा। और अभी देखिए हम यहाँ पे केवल शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, नहीं तो आपको और डिटेल में भी बताते, जैसे कि ज्योग्राफी का जो मतलब उसमें जैसे आपका अर्थ के जितने भी उसके एक्सिस होते हैं या सॉरी जो उसके लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड होते हैं उसके बारे में भी और डिटेल में आपको हम बताते हैं, और अर्थ का स्ट्रक्चर के बारे में भी, लेकिन अभी टाइम की कमी है। बट हम फर्दर एग्जाम के लिए जैसे कि आपका SSC JEE का भी एग्जाम होने वाला है और इसके बाद आपका जो रिमेनिंग आगे का RRB NTPC का है, तो उसमें हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि इक्वनॉक्स अकर वेन द सन इज वर्टिकली एबव, तो इक्वनॉक्स कब अकर होती है, मतलब कि जब सन जो है वो वर्टिकली एबव किसके होती है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो इक्वेटर के डायरेक्टली एबव मतलब कि वर्टिकली एबव होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। फिर देखिए अगला है क्वेश्चन कि डे एंड नाइट आर इक्वल एट दी, तो डे और नाइट इक्वल कहाँ पे होती है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेटर पे आपका बेसिकली होता है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो अर्थ का यानी कि जो इसके लैटिट्यूड्स होते हैं
लैटिट्यूड हम लोग बोलते हैं इसके, जो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ से इसके जो यहाँ पे हॉरिजेंटल रो जो होते हैं इस तरीके के, तो ये आपके क्या हो गए इसके, ये इसके लैटिट्यूड हो गए। और देखिए जो लैटिट्यूड है किसमें 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, और यहाँ पे जो 23.5 डिग्री जो आपका जो है नॉर्थ नॉर्थ पोल में, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और नीचे का जो 23.5 जो साउथ में आपका है नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर में, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो ये सारे जितने लैटिट्यूड आपके हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। तो देखिए शॉर्टेस्ट डे कब होती है, तो ये चीज़ देखिए आप लोग एक्सपीरियंस भी किए होंगे, जैसे कि अभी ठंड का दिन चल रहा है तो आपने देखा होगा कि जैसे दिन जो होते हैं तो वो थोड़ा शॉर्ट होते हैं और नाइट जो होती है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का होती है। तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है दिसंबर 22, तो आप इसको टिक ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग मार्क कर कर, यदि आपको एग्जैक्ट जैसे कॉन्सेप्ट नहीं भी पता होगा तो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जो विंटर सोल्स्टिस के बारे में आपको पता है, विंटर सोल्स्टिस का आपको बारे में बताया था कि इस दिन में क्या होता है कि जैसे जो डे होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और नाइट लॉन्गेस्ट की होती है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट सर्कल। तो देखिए कौन सा एक ग्रेटेस्ट सर्किल है, तो देखिए यदि आप लोग इसको देखे होंगे यहाँ पे जो आपका अर्थ जैसा है, तो इसमें से जितने भी लैटिट्यूड आपके होते हैं, तो ये सारा आपका जैसे दिया हुआ है 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, उसके बाद 23.5 जो हाफ नॉर्थ में आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ऊपर आपका आर्कटिक सर्किल हो गया। तो ये सारे जितने भी लैटिट्यूड्स हैं तो इनमें क्या करते हैं कि ये एक तरीके का जैसे एक सर्कल बेसिकली होते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट जो सर्कल होता है तो वो आपका इक्वेटर होगा, क्योंकि देखिए जो इक्वेटर होता है तो ये अर्थ को लगभग लगभग 2 हाफ पोर्शन में ये डिवाइड कर देता है। तो यही क्या हो जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल सर्कल होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे अर्थ का जो जो भी शेप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायमीटर जो होगा इसका ये क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, और ऊपर आप जैसे ही इधर जाइएगा तो यहाँ पे जब सर्कल बनाइएगा तो ये क्या होगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन जहाँ इक्वेटर होता है तो यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा डायमीटर इसका यहाँ पे बनेगा आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से कौन सा जो होगा मतलब कि ग्रेटेस्ट सर्कल होगा, तो वो आपका इसमें देखिए इक्वेटर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट एन इंक्लिनेशन ऑफ। तो जो अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो वो उसका एक्सिस मतलब कि कितने इंक्लिनेशन पे करता है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि 23.5 डिग्री आपका हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखना और साथ में थ्योरी भी याद रखना, तो आप लोग बहुत ही इजिली कर सकते हैं यदि आपको क्वेश्चन इनमें से आता है तो। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ था। जैसे कि आज आप जानते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जैसे कि आपका अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, तो इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। जैसे कि ये आपको यदि आपने इन मैप देखा होगा वर्ल्ड का, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे जो नॉर्थ अमेरिका है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से ऊपर है, बेसिकली इस रीजन में है, और जो आपका यहाँ पे यानी कि हम बात करते हैं साउथ अमेरिका का, तो वो इक्वेटर से नीचे है बेसिकली जितने भी कंट्री हैं लगभग इसके, और जो एशियन कंट्रीज है वो आपका इधर इधर पोर्शन में आपका है। तो ये सारे कैसे मतलब कि ड्रिफ्ट होके गए या फिर कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, तो वो चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ का एज है वो लगभग 4500 मिलियन ईयर्स बताया था है साइंटिस्ट के द्वारा, और इसमें से 70% है वो बेसिकली रिप्रेजेंट किया था ओशियन के द्वारा, और बाकी जो रिमेनिंग है वो कॉन्टिनेंट्स है। तो कॉन्टिनेंट जैसे कि लैंड एरिया है बेसिकली जो कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि जैसे जो अर्थ है, तो अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करता है इक्वेटर, इसके ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इसके नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इसमें देखिए जो टोटल जो लैंड एरिया है, तो लगभग जो पूरे लैंड एरिया का जो कि मतलब आपका 30% है बेसिकली लगभग, तो उसमें से भी जो 75% जो टोटल जो लैंड एरिया है पूरे ग्लोब का, पूरे अर्थ के यदि हम बात करते हैं, तो वो आपका जैसे कि नॉर्थ में लोकेटेड है, यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ में आप ऊपर जाइएगा तो इधर ही सबसे ज़्यादा लैंड एरिया है। यदि आप साउदर्न हेमिस्फेयर में आप जाइएगा नीचे, तो यहाँ पे आपको लैंड एरिया उतना नहीं मिलेगा, इधर आपका क्या है अधिकतर इधर ओशियन ही है बेसिकली। तो इसीलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है इसको लैंड हेमिस्फेयर भी हम लोग बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखना कि कौन सा जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को लैंड जैसे कि किसको यानी कि हम लोग लैंड हेमिस्फेयर बोलते हैं, तो वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फेयर है, तो इधर आपका क्या है वाटर ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग वाटर हेमिस्फेयर भी बोलते हैं। तो ये 2 फैक्ट आप लोग याद रखना इसको।
बट देखिए क्या है कि जो अर्थ है तो ओरिजिनली ये एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था। जैसे कि आज आप देखते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट है बेसिकली, जिसमें कि आपका यहाँ पे जैसे कि इधर आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, इधर एशिया हो गया, और इधर आपका यूरेशिया मतलब कि जैसे यूरोप पार्ट हो गया, इधर इसका जितने भी कॉन्टिनेंट है अलग अलग है। लेकिन ओरिजिनली में यदि हम बात करते हैं इसका जैसे कि 200 मिलियन ईयर्स एगो की बात करते हैं, तो उस समय एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था और उसको बोला जाता था पेंजिया, यानी कि ये जो आपका सिंगल जो लैंड मास है जो बेसिकली आज आप देखते हैं कॉन्टिनेंट में ये टूट के अलग अलग हो चुका है, तो बेसिकली ओरिजिनली ये क्या था, एक सिंगल लैंड मास था जिसमें कि सारे जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो एक ही में समाए हुए थे, जिसको कि एक पेंजिया बोलाता था, ये एक सॉलिड लैंड मास था। और इसके चारों तरफ वाटर सराउंड करते थे, यानी कि ये पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ करता था। तो इसको हम लोग जैसे कि एक सिंगल सी बोलते थे जिसको पैसिफिक ओशियन बोला जाता था, और उसको बोलते थे हम लोग पैंथालासा। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना कि ओरिजिनली क्या था कि जैसे जो ओशियन थे जो वाटर से सराउंडेड थे जितने भी मतलब कि एक सिंगल जो लैंड मास था, तो उसको पैंथालासा बोलते थे। और जो कॉन्टिनेंट था बेसिकली यानी कि जहाँ पे लैंड मास पूरे एक ही एरिया में जो एकत्रित थे उसको बोलते थे हम लोग पेंजिया बोलते थे। तो देखिए इसके पीछे बहुत सारे जो थ्योरी दिए गए हैं, तो उसमें से एक आपका फेमस थ्योरी था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, और ये जो थ्योरी है वो दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। तो ये भी आप लोग याद रखना, इन्होंने ही जैसे बताया था कि किस तरह से ड्रिफ्ट करके जो यहाँ पे कॉन्टिनेंट है वो ब्रेक हुआ और उसका बना। तो यही थ्योरी जो दिया गया है बेसिकली कि जैसे अर्थ आपका था बेसिकली क्या था, एक सिंगल लैंड मास था जिसको कि हम लोग पेंजिया बोलते थे, और चारों तरफ इसके जो वाटर से सराउंड थे जिसको बोला जाता है पैंथालासा। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो आपका यहाँ पे एक सिंगल जो लैंड मास था आपका जिसको कि हम लोग पेंजिया इसको बोलते थे, तो ये क्या होता है कि ये क्रैक कर गया, यानी कि इसमें क्रैकिंग हो जाती है और ये दो भाग में बढ़ जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ये सिंगल एक लैंड मास हुआ करता था, लेकिन इसमें देखिए मेनली जो फोर्स है ग्रेविटी का, यानी कि ग्रेविटी का फोर्स के चलते जैसे कि सन और मून का जो ग्रेविटी होता है, और बोयंसी फोर्स के चलते, बोयंसी फोर्स आपका जैसे कि सी इधर आपका है, तो इन फोर्स के चलते ये जो पेंजिया था जो कि ये बेसिकली एक सिंगल लैंड मास था, तो ये दो भाग में टूट गया। तो जैसे कि एक भाग आपका हो गया एंगोरा लैंड आपका हो गया, जिसको कि हम लोग लोरेंसियन प्लेट भी बोलते हैं, और दूसरा हो गया इसका गोंडवाना लैंड हो गया बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे ऊपर का जो पोर्शन गया उसको बोलते हैं हम लोग एंगारा लैंड बोलते हैं या लॉरेशिया बोलते हैं हम लोग, और नीचे का जो पोर्शन जो टूट के आया उसको बोलते हैं हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते हैं हम लोग। और इसके बीच में फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो ओशियन जो वाटर है वो इसमें फील्ड हो जाता है, यानी कि एक यहाँ पे क्या होता है एक नैरो सी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जिसको कि हम लोग तेथिस सी बोला जाता है। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना। और फिर देखिए उसके बाद फर्दर क्या होता है कि धीरे धीरे जो इसमें दो भाग में ये टूटा आपका, तो बेसिकली जो अंगेरा लैंड आपका था बेसिकली अंगेरा लैंड आपका जो आपका ऊपर का पोर्शन था, तो ये फर्दर दो और भाग में ये टूट जाता है, जो कि दो भाग होते हैं इसके, एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और एक होता है यूरेशियन प्लेट। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जैसे कि टूट के इधर आया, जिसमें कि आपका कनाडा यूएसए ये सारे जो मेजर कंट्रीज है ये उधर मतलब कि इस कॉन्टिनेंट में है, और बाकी जो यूरेशियन है इसमें आपका जैसे यूरोप और एशिया है बेसिकली इस पोर्शन में आपका आ गया टूट के। तो ये आपका क्या हो गया पार्ट जो है एंगारा लैंड का ये बेसिकली पार्ट है, और बाकी जो नीचे का जो पोर्शन आपका था जो कि गोंडवाना लैंड था, तो ये भी क्या होता है कि ये 5 भाग में यानी कि 5 प्लेट में ये फर्दर क्रैक हो जाता है। तो जो 5 प्लेट में ये बेसिकली जो क्रैक हुआ आके, तो वो कौन कौन से हैं, तो ये आप लोग याद रखना। जैसे कि अफ्रीकन प्लेट हो गया, तो आप देखते हो कि अफ्रीका जो रीजन है बेसिकली जो साउदर्न हेमिस्फेयर रीजन में है अधिकतर पोर्शन इसके, और उसके बाद फिर देखिए जो आपका साउथ अमेरिकन प्लेट आपका है, इंडियन प्लेट आपका है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और अंटार्कटिक प्लेट है। तो जो इंडिया था यानी कि ये भी क्या था, ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था, यानी कि आप देखते हैं कि जैसे जो इंडिया आपका है तो इंडिया हम लोग जैसे कि एशिया का पार्ट है, लेकिन ये क्या था पहले, ये आपका जैसे गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। लेकिन क्या होता है यहाँ पे कि जो 40 मिलियन ईयर्स एगो की हम बात करते हैं, तो जो इंडियन प्लेट है तो ये जैसे कि ड्रिफ्ट करना शुरू करता है टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि जो इंडियन प्लेट था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था ये, लेकिन ये क्या होता है कि ये धीरे धीरे अपना यानी कि ड्रिफ्ट करता जाता है किधर, तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन की तरफ, जहाँ पे ये देखिए यूरोपियन जो प्लेट था तो उसके साथ ये कोलाइड कर जाता है, और इसी रिजल्ट ऑफ कोलिजन के चलते क्या होता है कि फोल्डिंग होना शुरू हो जाता है तेथिसी के ऊपर में, और इससे ही क्या होता है कि हिमालय का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से आप लोग याद रखना कि जो इंडियन प्लेट है वो किसका हिस्सा था, कि गोंडवाना लैंड का था, लेकिन ये जैसे कि क्या होता है कि शिफ्टिंग के चलते ये यूरोपियन प्लेट में आके ये मिल जाता है। तो आप लोग इतना फैक्ट यहाँ से याद रखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है जो कॉन्टिनेंट का बेसिकली फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि आप जानते थे कि पहले जो एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या होता है कि दो भाग में ये बट बट गया आपका, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था।
तो उसमें से देखिए जितने भी आपके पोर्शन हैं, यहाँ पे जैसे आपका ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पे साउथ अमेरिका हो गया, ये इधर आपका अफ्रीकन प्लेट हो गया, और इधर आपका यूरेशियन प्लेट हो गया, और यहाँ पे जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपका है बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए जैसे इंडिया है, इंडिया जैसे पार्ट था बेसिकली, ये गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा था, लेकिन ड्रिफ्टिंग करने के चलते ये आपका क्या होता है कि इस डायरेक्शन में आके यहाँ पे आके यानी कि अपलिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए जैसे फॉर्मेशन सबसे पहले होता है इंडियन पेनिनसुला का, तो इंडियन पेनिनसुला जो है ये सबसे ओल्डेस्ट है, तो इसका जो एज बताया था तो वो है 4.5 से लेके 4.3 मिलियन ईयर बताया था, तो ये सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद देखिए हिमालय का फॉर्मेशन आपका होता है, तो जिसका जो एज बताया था तो वो 65 से लेके 11 मिलियन ईयर का इसका बताया जाता है। और जो सबसे जो न्यूएस्ट है तो वो है ग्रेट प्लेन्स है, यानी कि जो सबसे बाद में जो फॉर्मेशन हुआ है तो वो ग्रेट प्लेन्स का हुआ है, और इसका एज बताया था जैसे कि आपका 11 से लेके 1 मिलियन ईयर बताया था, तो ये सबसे यंगेस्ट है यानी कि फॉर्मेशन में। क्योंकि देखिए जैसे हिमालय हुआ था, हिमालय के बाद जो भी उसके यानी कि सॉयल्स होते हैं तो उससे जो प्लेन एरिया बनता है क्रिएट होता है, तो जो प्लेन्स है वो क्रिएट होते रहते हैं और अभी भी फॉर्मेशन इसके होते रहते हैं। तो इस तरीके से इंडिया को यदि हम जियोलॉजिकली डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली इसको 3 एरिया में पढ़ा जाता है। पहले आपका जैसे इंडियन पेनिनसुला हुआ, फिर उसके बाद आपका जैसे कि हिमालयंस हुआ, और फिर ग्रेट प्लेन्स हुआ। तो ये आप लोग फैक्ट बस याद रखना। अब यहाँ पे देखिए आपका जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स की हम बात करते हैं कि जो आपका बेसिकली जितने भी कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका इधर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इधर आपका साउथ अमेरिकन प्लेट है, इधर आपका अफ्रीकन प्लेट हो गया, इधर यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ पे जैसे इंडियन प्लेट आपका है, और इधर आप देख सकते हैं कि जो आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और नीचे आपका जो अंटार्कटिक रीजन पोर्शन है। तो इस तरीके से है कि जो मतलब बेसिकली आपका जो एक सिंगल जो अर्थ था, तो वो आपका क्या होता है मतलब कि सिंगल जो आपका एक लैंड था बेसिकली अर्थ में, जो भी मतलब इसके पेंजिया नाम से जाना जाते थे, तो वो धीरे धीरे सन के जो ग्रेविटी होते थे और मून के जो ग्रेविटी ऑफ फोर्स होते थे, तो उसके चलते क्या होता है कि ये ब्रेक कर जाता है, और बोयंसी फोर्स के चलते ये ब्रेक कर जाता है और ये प्लेट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से जो कॉन्टिनेंट आज आप देखते हैं तो वो इसी का मतलब कि इसी के चलते है कि जो ब्रेक होने के चलते ही आप देखते होंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट है तो उनमें से कंट्रीज भी, जैसे कि हर एक कॉन्टिनेंट में कंट्रीज भी होते, तो आपको कौन कौन से कंट्री है तो उसमें से आपको सबको याद नहीं रखना है, लेकिन जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे तो वो आपको याद रखना है। जैसे कि एरिया वाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंट्री है वो सबसे बड़ा है और कौन सा पॉपुलेशन बेसिस पे है, तो वो फैक्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको लिस्ट दिया हुआ है कि जैसे जो टॉप 10 कंट्रीज है जो कि एरिया वाइज है, तो इसके अकॉर्डिंग जो रसिया है तो वो मतलब कि सबसे, ये क्या है मतलब कि ये जो कंट्री एरिया वाइज में सबसे ज़्यादा है इसका, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पे जो टोटल लैंड मास का ये अकेला जो है वो 10.99% है बेसिकली। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है सारा जो यहाँ पे टोटल जो कितना किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। उसके बाद देखिए नंबर आता है अंटार्कटिका का, यानी कि ये सेकेंड नंबर पे आपका आता है, लेकिन इसको सिंस हम लोग कंट्री में काउंट नहीं करते हैं तो ये आपका जैसे अगर सीरियल वाइज आएगा तो ये आपका नहीं रहेगा। सेकेंड नंबर पे आपका रहेगा कनाडा रहेगा, तो कनाडा का आप देख सकते हैं कि इतना स्क्वायर जैसे कि किलोमीटर है इसका एरिया। और उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है चाइना का, चौथे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट का, पांचवें पे ब्राजील का, और छठे पे आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, और सातवां जो है इंडिया का आता है। तो इंडिया जैसे कि क्या है, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय द लैंड एरिया पूरे वर्ल्ड के यदि हम बात करते हैं तो, और पूरे वर्ल्ड का कितना जैसे कि ये एरिया कवर करता है तो 2.4% है, यानी कि टोटल जो लैंड मार्क जितने भी अवेलेबल हैं। तो ये डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, ये 2.4% बहुत बार पूछा जा चुका है कि इंडिया इंडिया जो परसेंटेज बेसिस पे कितना लैंड मास ऑक्यूपाई करता है, तो वो आपका 2.4% हो जाएगा। और ये कितने नंबर पे आता है, तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है बेसिकली बाय लैंड एरिया के यदि हम बात करते हैं तो। तो आप लोग यहाँ से जो टॉप 10 कंट्रीज है, और या फिर आप लोग यहाँ तक इंडिया तक का जो यहाँ पे लिस्ट है, ये आप लोग एटलीस्ट याद रखना, आपसे अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए आपका इधर लिस्ट दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि टॉप 10 कंट्रीज एरिया वाइज, इधर आपका दिया हुआ है टॉप 10 कंट्रीज पॉपुलेशन वाइज आपका दिया हुआ है। तो जैसे कि यदि हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये डेटा आपका 1 जुलाई 2019 तक का है। तो जो चाइना है तो यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट में आपका यहाँ पे दिया हुआ है बेसिकली। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है इंडिया का पोजीशन नंबर आता है इसका, और तीसरे पे आता है यूनाइटेड स्टेट का आता है, और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है इंडोनेशिया का, पांचवें पे है पाकिस्तान का, छठे पे है ब्राजील का। तो आप लोग बस टॉप जो 5 लिस्ट है यहाँ पे बस आप लोग इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा। और जैसे कि देखिए अंटार्कटिका का मैंने आपको बताया था कि इसके जो 98% जो लैंड है इसके,
तो वो बेसिकली आई से ही इसको कवर्ड, मतलब कि आई से कवर्ड है, इसके चारों तरफ आई से ही कवर्ड है। ओनली 2% ही लैंड इसका है कि जो कि मतलब आई से वहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से ये एक तरीके का क्या है, कंट्री नहीं है इसके। तो इसके जैसे कि जो एरिया है बेसिकली, तो वो बहुत सारे कंट्री के द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये मेरा हिस्सा है। तो इस तरीके से इसको मतलब कोई एक इंडिविजुअल कंट्री नहीं बोला जाता है। तो यदि इंडिविजुअल कंट्री रहता तो ये दूसरे नंबर पे आता, लेकिन इसके जितने भी एरिया या हिस्से जो भी है इसके, तो वो बहुत सारे कंट्री के द्वारा क्लेम किया जाता है। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना इतना। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, जितने भी पीएससी के एग्जाम होते हैं उन्हीं से हमने क्वेश्चन ये लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है कि विच कंट्री एमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो देखिए अब यहाँ पे आपको डिपेंड करेगा कि ऑप्शन अब में आपका क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन में आपका क्या क्या रहेगा, कौन कौन सा कंट्री का नेम दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे दिया हुआ है ब्राजील है, इंडिया है, कनाडा है और रसिया है। तो यहाँ पे देखिए इस लिस्ट में यदि हम बात करते हैं तो इंडिया जो है वो क्या आपका यहाँ पे होगा, वो स्मॉलेस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ एरिया इन कंट्रीज के द्वारा, यहाँ मतलब कि जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। जैसे कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है बाय एरिया के यदि हम बात करते हैं, तो वो आपका रसिया हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए जैसे नंबर आपका, जैसे उस हिसाब से इस ऑप्शन के यदि हम बात करते हैं, तो फिर आपका आएगा कनाडा का, फिर ब्राजील का होगा, और उसके बाद फिर इंडिया का नंबर आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन पे आपका डिपेंड करेगा कि आपको मतलब कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क करना होगा यहाँ पे। यहाँ पे हो सकता था कि जैसे आपका और भी कंट्री का नाम दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मार्क करना होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया कवर्स डैश ऑफ अर्थ लैंड एरिया। तो आपको अप्रोक्सीमेटली बताना है कि कितना कवर करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे टोटल लैंड एरिया का इंडिया कितना कवर करता है, तो ये 2.4% करता है। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ बहुत सारे एग्जामों में। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि ये चीज़ देखिए हमने आपको ऑलरेडी आपको जैसे कि हिंट आपको दे दिया है जो आपके थ्योरी में हमने आपको बताया था। तो इसमें क्वेश्चन है कि इंडिया लाइज इन द डैश हेमिस्फेयर, यानी कि इंडिया जो है वो किस हेमिस्फेयर में लाई करता है। तो इतना तो आप जानते हैं कि जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, लेकिन ये किस तरह ईस्टर्न पार्ट में है या वेस्टर्न पार्ट में है, या फिर इसके जो नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट में है, तो इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताना। हालांकि हम इसको इस आंसर का जो यानी कि इसका जो आंसर होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका जो ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट था इसका हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके और भी 3-4 क्लास में है जो ज्योग्राफी का पोर्शन होगा हम आपका कंप्लीट करा देंगे, जिससे कि आपका इसमें थोड़ा बहुत हेल्प आपको जरूर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए अभी पूरा कवर करना ज्योग्राफी पॉसिबल नहीं है, बाकी जो नेक्स्ट एग्जाम आपका होगा जैसे SSC JEE का या फिर जो RRB NTPC या फिर और भी जो एग्जाम होंगे, तो उसमें हम लोग बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे ज्योग्राफी का। उसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करेंगे, थ्योरी भी डिस्कस करते चलेंगे, कि जिससे कि आपका एग्जाम में ज्योग्राफी से यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका छूटेगा नहीं, इतना तो हम आपको अपने गारंटी लेके कह रहे हैं। क्योंकि देखिए हमने एनालिसिस किया हुआ है क्वेश्चन का और जितने भी एग्जाम आते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और फिर मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।